हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने टैली में पूछा है कि जब वो लेज़र बना रहे हैं उस दौरान लेज़र शो नहीं कर रहे हैं जब वो परचेज या सेल्स में एंट्री करने जा रहे हैं, तो ऐसा तब होता है जब आप लेज़र बनाने में गलती करें। तो चलिए मैं शुरू से कंपनी बना करके और वहाँ से आपको सिखाता हूँ कि कैसे कैसे एंट्रीज करेंगे। तो पूरा डिटेल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आप टैली का लेटेस्ट वर्जन ज़रूर डाउनलोड करेंगे, एजुकेशनल वर्जन है और आप इसे डाउनलोड करेंगे तो सीखने में काफ़ी सहायता मिलेगी, काफ़ी हेल्प होगी आपकी। और 6.5.4 ये जो टैली का लेटेस्ट वर्जन है ये मेरे पास है, आप भी कोशिश करें कि टैली के लेटेस्ट वर्जन पे ही काम करें। डेट चेंज के अलावा दूसरा कोई चेंजिंग होता नहीं है। जो टैली का ओरिजिनल वर्जन आता है और जो एजुकेशनल वर्जन आता है इसके अलावा बहुत कुछ अलग नहीं होता है इसमें। टैली का जो ओरिजिनल वर्जन है उसमें आप डेट मनचाहे तरीके से चेंज कर सकते हैं एज योर विश। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशनल वर्जन, तो एजुकेशनल वर्जन में एक या दो या तीन डेट्स ही आप चेंज कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आप आ जाइए। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद कंपनी को हमें बंद करना है। साइड में आपको बटन्स दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट कंपनी। अगर आपको कंपनी सेलेक्ट करना है तो F1 प्रेस कीजिए। ये अल्ट के साथ F1, ये जो नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है इसका मतलब है अल्ट के साथ F1। तो हमें अभी ये कंपनी बंद करनी है, तो अल्ट के साथ क्या प्रेस करेंगे, F1 प्रेस करेंगे तो ये कंपनी हमारी बंद हो जाएगी। या फिर यहाँ पर आप माउस से क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये देखिए कंपनी हमारी बंद हो गई। अब हम कंपनी इन्फो की विंडो पर आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ क्रिएट कंपनी है। आप सी प्रेस कर देंगे केवल कीबोर्ड से, चूंकि यहाँ पर मैं माउस क्लिक करता हूँ तो यहाँ से सी जो है हाईलाइट हो जाता है। अगर आप सिर्फ सी प्रेस करते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ से सी प्रेस कीजिए तो यहाँ पर आप आ जाएंगे फॉर्म पर। अब यहाँ पर जिस नाम से कंपनी बनानी है, जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट के ही नाम से द साइन इन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ इंस्टीट्यूट TUTE, तो ये मैंने दे दिया। अब एंटर प्रेस करता हूँ, नीचे आऊंगा मेलिंग नेम। अब यहाँ पे एड्रेस की बात आती है तो मैं यहाँ लोकल एड्रेस दे देता हूँ, न्यू कॉलोनी देवरिया, एंटर प्रेस करता हूँ इंडिया, ओके। और यहाँ से स्टेट उत्तर प्रदेश हो जाएगा तो ये उत्तर प्रदेश हो गया। अब यहाँ पिन कोड की बात आती है 274001, विदेशों में जिप कोड होता है, यहाँ पिन कोड। चलिए आगे बात करते हैं, मोबाइल नंबर और वेबसाइट ईमेल जो भी है आप दे सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, तो फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का फाइनेंशियल ईयर होता है। तो फाइनेंशियल ईयर शुरू कब से होगा, 1 अप्रैल से। यहाँ पर दिया हुआ है बुक्स बिगिंस फ्रॉम, मतलब आप काम कब से चालू कर रहे हैं। तो जैसे सपोज कीजिए मैं 2 अप्रैल से काम चालू कर रहा हूँ, तो यहाँ 2/4/2020 लिख देता हूँ, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर अगर आप टैली का वॉल्ट पासवर्ड या सिक्योरिटी पासवर्ड ऐसा कुछ जानना चाहते हो तो यहाँ पे डाल सकते हैं, फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। एंटर प्रेस करते हुए ये देखिए ये रुपीस का इंडिया का साइन है, INR इंडियन रुपीस का फॉर्मल नेम होता है, और इसको मैं एक्सेप्ट करा लेता हूँ। अब ये एक्सेप्ट करा लिया मैंने तो यहाँ द साइन इन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से एक कंपनी क्रिएट हो गई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। तो चलिए नेविगेशन बटन जो कीबोर्ड में होता है ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने का, लेफ्ट राइट अप डाउन, उससे हम डाउन बटन प्रेस करके अकाउंटिंग वाउचर पे आते हैं और यहाँ से वी प्रेस कर देते हैं। देखिए रेड कलर में जो हाईलाइट है वही बटन आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है, तो वी प्रेस की कर दीजिए आप सीधा आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। हमें कहाँ जाना है, हमें सबसे पहले रिसिप्ट वाउचर में जाना है। जब भी आप कंपनी बनाए तो इस बात का ध्यान जरूर दें कि आपको सबसे पहला काम ये करना है कि पैसा रिसीव कराना है। अगर आपके कंपनी में पैसा नहीं होगा, नेगेटिव कैश की दिक्कत आएगी, नेगेटिव कैश बार बार जो है शो करेगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब कैश रहेगा तब तो आप कंपनी शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, F6 बटन प्रेस करना है तो आप आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल अकाउंट, जो भी आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो आपकी कैपिटल होती है, तो यहाँ क्रेडिट जो करना है वो कैपिटल अकाउंट को करना है, ठीक है। आप क्या कहेंगे उसे, जो भी बिजनेस में पैसा निवेश करते हैं उसे टैली की भाषा में हम कैपिटल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉमर्स की भाषा में कैपिटल बोलेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो कैसे बनेगा लेजर, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए तो ये लेजर क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना है, तो देखिए मैं यहाँ पे कैपिटल
अकाउंट कर देता हूं, E/C, ओके, एंटर प्रेस किया, यहां पर आ जाएंगे, ये अंडर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, एंटर प्रेस करते हुए यहां पर आएंगे और यहां पर एड्रेस चाहे तो डाल सकते हैं, मैं छोड़ देता हूं, एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेता हूं। यहां पर कितना कैपिटल आप लगा रहे हैं, बिजनेस में कितनी पूंजी निवेश कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10 लाख, तो ये 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स को यह भी कंफ्यूजन होती है कि क्या कैश का भी लेजर बनाने की जरूरत पड़ती है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कैश का लेजर बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, कैश का लेजर बना होता है पहले से, कैश का लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर ये दोनों बना होता है। तो यहाँ कैश आप सेलेक्ट करें और यहाँ से आप चाहे तो नरेशन लिख सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट फ्रॉम कैश रुपीज या वर्थ रुपीज इतना 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 ये दे सकते हैं, मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ नरेशन, एंटर प्रेस करता हूँ। ये हमारा हो गया रिसिप्ट वाउचर में, यानी कंपनी में जो भी हमने कंपनी क्रिएट की उसमें पैसा लगा दिया। चलो अब हमें फिर अकाउंटिंग वाउचर गेटवे ऑफ दिल्ली पर आना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाकर के वी प्रेस करना है। अब हमें कहां जाना है, अब हमें परचेज वाउचर में जाना है, तो परचेज वाउचर के लिए या तो F9 प्रेस करें या तो माउस से यहां क्लिक कर दें। तो ये आ गए हम परचेज वाउचर में। अब यहां पर सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना है, तो कोई भी एक इनवॉइस नंबर मैं डाल देता हूं जो कि सप्लायर का इनवॉइस नंबर होगा। डेट अगर आपको 2 अप्रैल ही रखनी है तो आप 2 अप्रैल रखें, अदरवाइज आप यहां पे 30 अप्रैल या कुछ ऐसे भी डेट दे सकते हैं, 20 कर लेते हैं हम, ठीक है, इसी डेट पे हम काम शुरू कर रहे हैं। अब यहां पर आ रहा है कैश, अब कैश भी रख सकते हैं, लेकिन अच्छा ये होगा कि पार्टी का नाम दे ताकि ये पता चले कि कौन सी डेटर पार्टी है, कौन सी क्रेडिटर पार्टी है, ठीक है, तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए। अभी हम परचेज वाउचर में है तो हम यहां क्रेडिटर पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे, तो मैं एक नाम दे देता हूं जिससे आपको ये पता चलता रहेगा कि ये क्रेडिटर पार्टी है और ये डेटर पार्टी है, तो यहां संदीप क्रेडिटर लिख देता हूं, इससे ये पता चलता रहेगा कि आपका जो लेजर है वो क्रेडिटर पार्टी वाला है या डेटर पार्टी वाला है। अब ये किस ग्रुप में जाएगा वो समझना है, तो यहां पर एस प्रेस कीजिए, संडी डेटर या संडी क्रेडिटर दोनों में से किसी एक ग्रुप में ये जाने वाला है, तो हम यहां पर इसे संडी क्रेडिटर के ग्रुप में रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहां मेंटेन बिल वाइज डिटेल को मैंने यस रखा है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, एंटर प्रेस करेंगे और यहां से इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, तो ये एक्सेप्ट करा लिया। अब ये इनका एड्रेस डाल दूंगा, जैसे मान लीजिए ये लोकल की ही पार्टी है, अगर आप किसी अदर स्टेट की पार्टी से डील कर रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, मैं लोकल की ही पार्टी से डील कर रहा हूं, तो ये मैंने दे दिया, ठीक है। अब यहां पर आ रहा है परचेज का लेजर, हमने अभी परचेज का लेजर क्रिएट नहीं किया, तो हमें क्या करना है, अल्ट के साथ सी प्रेस करना है और यहां परचेज अकाउंट का लेजर बना लेना है, परचेज अकाउंट, ओके, एंटर प्रेस किया। अब यहां पर आने के बाद जहां से आप पी प्रेस करेंगे, तो पी प्रेस करेंगे तो ये दो चीजें आपको हाईलाइट होती हुई यहां नजर आएंगी, प्रोविजंस और परचेज अकाउंट, तो परचेज का लेजर अंडर परचेज अकाउंट में जाता है, तो यहां परचेज अकाउंट कर लेंगे हम। एंटर प्रेस करेंगे और यहां से इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद क्या करना है हमें, यहां से अल्ट के साथ सी प्रेस करना है। अब हमें स्टॉक आइटम्स भी बनाने होंगे खरीदने के लिए, तो यहां पे स्टॉक आइटम के लिए अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे तो स्टॉक आइटम भी हम बना पाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर आपको स्टॉक आइटम बनाने, जैसे मान लीजिए हेडफोन की बात कर लेते हैं, तो यहां हेडफोन एक स्टॉक आइटम है जिसे हम परचेज करेंगे, तो ये स्टॉक आइटम होना भी चाहिए। अब ये यूनिट्स की बात आती है, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिएगा तो यहाँ यूनिट वाली, यूनिट क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको हम पीसेस में खरीदेंगे, तो मैं यहाँ पीसीएस लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे PIECE पीस कर दिया मैंने और इंटरप्रेस किया, डेसिमल जीरो ही रखेंगे, इंटरप्रेस करेंगे यहाँ, तो ये हो गया। अब कितनी क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए 120 क्वांटिटी हम हेडफोन की खरीद रहे हैं और एक हेडफोन की कीमत है 700 रुपए, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे। अब हेडफोन हो गया, दूसरा चीज यानी अल्ट के साथ सी फिर प्रेस करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉक आइटम, अगला स्टॉक आइटम बनाएंगे, जैसे अब कीबोर्ड की बात करते हैं, तो यहाँ कीबोर्ड लिखा मैंने, कुछ भी जो आप खरीद रहे हो वो आसानी के साथ बना सकते हैं, और यहाँ यूनिट बनाने की बात है तो कीबोर्ड भी हम पीसेज में ही रख लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करा लेते हैं इसको भी। तो जैसे मान लीजिए 100 पीस कीबोर्ड आप खरीद रहे हैं, ठीक है, और एक पीस की कीमत 120 रुपए है, ठीक है, तो पूरे की कीमत आ गई। अब कीबोर्ड के बाद आ गया माउस, MOUSE, ठीक है, चूंकि लेजर बनाना है तो अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे,
MOUSE माउस लिखा हमने, और यहाँ पर प्राइमरी में रखेंगे, यहाँ प्राइमरी में रखेंगे इसे, इंटरफेस करेंगे और यहाँ भी पीसेज ही रहने देते हैं, इंटरफेस करते हैं, एक्सेप्ट कराते हैं इसको। और यहाँ 12 पीस माउस के हमने खरीदे और एक पीस जो है 100 रुपए की पड़ी, इंटरफेस किया हमने, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने बिल वाइज डिटेल को चालू रखा है, तो यहाँ से न्यू रेफरेंस कर देंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ से चाहे तो नरेशन दे सकते हैं, एंटरप्रेस कर लिया मैंने, तो अब इसको मैंने बना लिया। अब हम चाहते हैं इसमें जीएसटी इनेबल करना, तो जीएसटी कहाँ से इनेबल होगा वो भी अभी बताता हूँ, लेकिन फिलहाल हम आएंगे इसको पहले देखेंगे कि ये गया कहाँ। तो एस्केप बटन प्रेस कीजिए, बटन प्रेस करने के बाद अब हमें यहाँ से दो बार डी प्रेस करना है गेटवे ऑफ टैली पर आने का। दो बार डी प्रेस करें तो यहाँ पर आपको दोनों एंट्रीज जो मैंने बनाई थी वो दिख जाएंगी। अभी हम परचेज में आते हैं। अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो अल्ट के साथ पी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट ही निकल जाएगी। तो यहाँ पर पी यू आर सी एच ए एस डबल ई कर देता हूँ मैं पहचान के, ठीक है। हम इसे डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, डेस्कटॉप पे ही रख लेते हैं, ठीक है। ये हमने इसको डेस्कटॉप पे रख लिया। अब हमको अगर प्रिंट निकालना हुआ तो यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा प्रिंट निकल जाएगा, दिखेगा कि हमने क्या क्या परचेज किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा इनवॉइस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, इनवॉइस है, आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए ये इनवॉइस है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि इसको हम कैसे करेंगे। अब बात कर लेते हैं जीएसटी लगाने की। तो जीएसटी लगाने के लिए हमें जीएसटी इनेबल भी करना होता है। चलिए इससे बाहर आते हैं, गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं और यहाँ पर यहाँ से हमें F11 प्रेस करना होगा अकाउंट इन्फो पे रहते हुए। F11 प्रेस किया हमने और यहाँ से आना होगा स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे आ गए। अब यहाँ पर देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस इनेबल नहीं है, तो इसको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। आप यस प्रेस कीजिए, ठीक है, यस प्रेस कीजिए, तो ये इनेबल हो गया। अब यहाँ इसकी पूरी डिटेल आपको फिल करनी होगी। यहाँ देखिए हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है, तो हमने उत्तर प्रदेश रखा है। फिर यहाँ दो प्रकार के डीलर हैं, एक रेगुलर डीलर होता है और एक कंपोजिट डीलर होता है, कंपोजिशन वाला डीलर, तो हमें अभी इसको रेगुलर रखना है, ठीक है, इसको नो रखना है। और यहाँ पे GSTIN नंबर डालना है आपको, ये आपके पैन कार्ड से कुछ मिलता जुलता नंबर होता है, ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया GSTIN नंबर, इसको वेरीफाई करेगा ये। 2 अप्रैल से ये लागू हो रहा है। ध्यान रखिएगा कि जीएसटी तब से लगाइएगा जब से जीएसटी लागू हुआ है इंडिया में, ठीक है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप जीएसटी कैसे कैसे फाइल करेंगे, हर महीने फाइल करेंगे या क्वार्टरली फाइल करेंगे, तो हम हर महीने फाइल कर लेते हैं। अभी ई वे बिल को नो रख देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को यस करते हैं। मैं HSN कोड कर देता हूँ, ठीक है, और HSN कोड जो भी है वो यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे 3 चीजें आ रही हैं, एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड और टैक्सेबल, तो यहाँ आपको टैक्सेबल रखना है, ठीक है। एग्जेम्प्टेड जीएसटी तो लगता है लेकिन 0% लगता है, और एग्जेम्प्टेड भी एक होता है, और नील रेटेड तो मैंने बता दिया, तो यहाँ टैक्सेबल आपको रखना है, एंटर प्रेस किया। यहाँ लिखा हुआ है इज रिजर्व चार्ज एप्लीकेबल, अभी इसको छोड़ देते हैं, इसको नो रहने देते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स 19% यानी 19% है, तो 9.5% यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा अपने आप, तो ये देख सकते हैं ये 9.5% अप्लाई हो गया। इंटरफेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कराएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ पे एक कॉलम आ रहा है इनेबल, यहाँ से अगर इसको इनेबल करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। और यहाँ पर आप टेलीफोन नंबर रजिस्ट्रेशन टाइप भी डाल सकते हैं, फिलहाल इसकी बात अभी नहीं करते हैं, हम इसको डिसेबल ही रखते हैं, ठीक है। एक्साइज डिटेल को इसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। और यहाँ से इंटरफेस करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेट अल्टर जीएसटी डिटेल है, तो ये TDS के लिए यहाँ से आप इसको लगा सकते हैं। फिलहाल हम इसको एक्सेप्ट कराते हैं, तो ये हो गया एक्सेप्ट। अब हम उस एंट्री पर चलते हैं जो एंट्री हमने बनाई थी, तो यहाँ से डी प्रेस करते हैं और आ गए एंट्री पर। यहाँ पर अब हमें क्या लगाना है, जीएसटी लगाना है, ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि जीएसटी का लेजर हमने बनाया नहीं, तो यहाँ पर कोई बात नहीं, जीएसटी का लेजर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जीएसटी का लेजर बनाने के लिए अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम सी जीएसटी का लेजर बनाएंगे। सी जीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
ठीक है, टैक्सेस आ जाएगा, इंटरपस करेंगे और इसको जीएसटी में रखेंगे। यहाँ पे ये सेंट्रल टैक्स है, ठीक है, यहाँ परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0% रहेगा और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग कर देते हैं। नॉर्मल राउंडिंग करने का मतलब अगर दशमलव में कोई वैल्यू आती है तो 0.5 या उससे अधिक होगी तो आगे जाएगा वो, जैसे मान लीजिए 1.5 आ गया तो वो 2 बन जाएगा, ठीक है, या 1.49 तक रहा तो वो 1 बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल राउंडिंग। इंटरपस किया हमने, ठीक है, लिमिट 2 तक रखते हैं, इंटरपस करते हैं और एक्सेप्ट कराते हैं इसको। तो यहाँ देख सकते हैं सी जी एस टी अपने आप कैलकुलेट होकर आ गया, वहां पर हमने जो लगाया था 9.5% के हिसाब से वो चीज यहाँ कैलकुलेट होकर आ रही है। अब यहाँ पर एसजीएसटी का भी लेजर हमने यहाँ पर क्रिएट किया और इसको स्टेट टैक्स के अंतर्गत रखेंगे, एंटरप्रेस करेंगे और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग कर लेंगे, ठीक है, एंटरप्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये हो गया हमारा। अब हम वहां पे चलते हैं अपने यहाँ पे सबसे पहले हमें सीजीएसटी लगाना था तो सीजीएसटी हमने लगा दिया। अब यहाँ पर एसजीएसटी लगाना है, ठीक है, एसजीएसटी पे लगा देते हैं सीजीएसटी, देन एसजीएसटी एस प्रेस करेंगे, यहाँ एसजीएसटी आ गया। तो ये देखिए सीजीएसटी और एसजीएसटी बराबर बराबर अमाउंट में ये लग करके आ गया है। तो इस तरीके से हम सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपके समझ में आई होगी। लेजर क्रिएशन में गड़बड़ी तभी होगी जब आप लेजर बनाते वक्त गलतियां करेंगे, ठीक है, तो गलतियां मत करिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी। इसको एक्सेप्ट कराते हैं न्यू रेफरेंस करके और ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसको जब देखना होगा तो आप वहीं पर गेटवे ऑफ टैली पर आकर 2 बार डी प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो इसको देख पाएंगे। अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे तो ये प्रिंट होकर आएगा। इसको मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ TTT के नाम से। और अब हम जब इसको देखना चाहेंगे तो यहाँ TTT के नाम से ये दिखाई भी पड़ जाएगा हमें। और ये हमारा बिल है, आप देख सकते हैं इसमें CGST और SGST भी लगा हुआ आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई होगी और इससे आपका प्रॉब्लम आई होप कि सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।